हेलो फ्रेंड्स, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जो अभी हम लोगों की लेटेस्ट परीक्षाएँ समसामयिक परीक्षाएँ चल रही हैं, खासकर जेल प्रहरी, उसमें लगातार साइंस में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लेंस और दर्पण से। तो लेंस से पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ता है गोलीय दर्पण, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और तथ्यों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हमें गोलीय दर्पण समझना होता है, तो सीधा पॉइंट पर ही आते हैं। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो हम लोगों को पता है कि दर्पण जो होता है वो एक साइड से, तो दर्पण जो होता है वो एक साइड से चमकीला और एक साइड से उसको कुछ ना कुछ हम लोग इस प्रकार से पेंट कर देते हैं। तो यहाँ से किरणें जो होती हैं परावर्तित होकर दूसरी ओर जा सकती हैं, मतलब दूसरी ओर बोले हम, यहाँ से किरणें परावर्तित होकर आ सकती हैं। तो इस वाली जो हमने सीधा चित्र बनाया है तो इसको बोलेंगे अब समतल दर्पण। इससे तो कुछ खास क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, ठीक। हम लोगों को मेन पढ़ना है गोलीय दर्पण। तो गोली में आपके नाम से ही देख पा रहे हैं आप गोलीय दर्पण, तो गोला है, आपको एक गोला लेना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास एक कोई कांच का गोला है या गेंद है, उसके आपने इस हिस्से को इस प्रकार से काट दिया, तो कटने के बाद हमारे पास कौन सा हिस्सा आ जाएगा? ये हिस्सा आ जाएगा। जब इसको आप इस प्रकार से बाहर से पेंट कर देंगे और परावर्तन या रिफ्लेक्शन के लिए आप अंदर वाली सतह का यूज करेंगे, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अवतल बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण, इंग्लिश में बोलेंगे इसको कौन के मिरर। इसी के विपरीत उसी टुकड़े को हमने इस प्रकार से मान लीजिए फिर से लिया होता, उसको पेंट हमने कहाँ पर कर दिया होता? इस साइड कर दिया होता। तो हम लोग फिर आप परावर्तन के लिए किस सतह का यूज करें? उभरी या ऊपरी सतह का, और उभरी या ऊपरी सतह के लिए आप लोग क्या बोलते हैं? उत्तल। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता है, हमें पता है पहले से, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए बताना पड़ता है। तो अंदर की ओर जब परावर्तन होगा उसको आप बोलेंगे अवतल, और बाहर की ओर जब परावर्तन होगा उसके लिए हम लोग बोलेंगे उत्तल। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो जाएंगे? ये दो प्रकार के, अब इनको आप लोग मिला जुला के तो यूज नहीं कर पाते, तो केवल दो ही प्रकार के होते। फिर हम ये भी बोल सकते हैं अब कि गोलीय दर्पण केवल दो प्रकार के होंगे, एक अवतल और एक उत्तल। ये हो जाएगा हम लोगों का कौन केप, और ये हो जाएगा कौन बैक्स। अब इन पर जो इमेज बनती हैं वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्टली इन्हीं के परावर्तन के आधार पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसकी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं किसकी, ऐसा एक चित्र बना लेते हैं पहले, है ना। ये एक चित्र बना ली हमने, यहाँ से एक लाइन भी खींच लेते हैं, इसको पहले अपने पास रख लें। ये हमारे पास रहता तो ज़्यादा मज़ा आता है। नीले प्रकाश की किरण आई थी इसके पास, ठीक है। सामान्यतः आप लोग चित्र ऐसा बनाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग लिखते हैं पी, पहले संकेत लिख दे रहे हैं अपने मन से, फिर आपको बताएंगे कौन क्या है ताकि गति मिल जाए हमें पढ़ाने के लिए। इसको लिखते हैं आप सामान्यतः एफ, इसको लिखते हैं सी, और कहीं दूर जाके आप मान लेते हैं इन्फिनाइट या अनंत। तो हम लोगों को इन शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। तो ये सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस पी से। तो ये पी क्या है? तो ये पी वह बिंदु होगा, ये पी वह बिंदु होगा जो भी आप अपने गोलीय दर्पण का टुकड़ा लेके आए हो, तो उस टुकड़े की जो भी आप लोगों ने उसका चाप लिए बैठे हो आप, उस चाप के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कह देंगे? तो आप बोलेंगे पी या पोल कह देंगे, ध्रुव कह देंगे। या फिर दूसरी कहानी आप लोगों को ये समझ जाई गई होगी शायद कि जो हम लोग की मुख अक्ष की रेखा आती है, तो मुख अक्ष का जहाँ पे भी इस प्रकार से इस अपने दर्पण के साथ मिलन होता है, उस मिलन बिंदु को हम लोग पोल कहते हैं। तो बल्कि कहानी ऐसी समझानी है आपको कि जो भी आपने गोलाई ली है उस गोलाई का मध्य बिंदु से ही आपको मुख अक्ष खींचना होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे बाहरी बिंदु जो कि मध्य बिंदु है इस वाले चाप का। अगली कहानी हमारी फोकस है, तो फोकस से पहले हमें क्या समझना पड़ता है? सी, सीफा होता है सेंटर। तो हमने जो भी अपना गोलीय दर्पण लिया था, यानी आपने जो भी गोलीय दर्पण लिया था वो जिस गोले का हिस्सा था, तो उस गोले की कोई ना कोई, उस गोले का कोई ना कोई केंद्र रहा होगा, तो वही गोला का केंद्र जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर, ठीक है। तो इस टुकड़े को उठा के हमने वहाँ लगा दिया है लेकिन उसका सेंटर ही छूट गया, तो सेंटर की दूरी को नाप के आप यहाँ पर माना कि हमने लिख दिया है। तो ये सी किसका केंद्र? इसी वाले गोले को दिया पूरा कर देंगे तो उसका केंद्र हम लोगों को मिल जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों के मेन क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एफ, एफ को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी या फोकस बिंदु। यहाँ पे फोकस बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की जाएगी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी
क्या होती है, तो सामान्यता ये आपने देखेंगे कि हमेशा वैसे हमेशा ही होता है, सामान्यता नहीं बोलना चाहिए, कि हम लोगों का ये पोल बिंदु और ये हमारी केंद्र नहीं है अपनी, ये वक्रता त्रिज्या, फिर त्रिज्या, इसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे, हम लिखते हैं पहले यहाँ पे, हम केवल त्रिज्या त्रिज्या या सेंटर करके समझाया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी इसको बोलेंगे आप वक्रता केंद्र, कर्व्ड सेंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो होगी उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, वक्रता त्रिज्या, जिसको आप आर से दिखला देंगे। अब हम चर्चा करने आए आपसे मेन तो एफ़ की, तो एफ़ जो है फोकस बिंदु है और इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगी फोकस दूरी, जो कि किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे जो हमारे पास ये वक्रता त्रिज्या थी उसको जस्ट आप आधा कर देंगे, उसको जस्ट आप आधा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, फोकस दूरी मिल जाएगी। तो एफ का, एफ जो बिंदु है उसका मान कितना हो जाएगा, आध बटे दो। तो ये पहला सूत्र हम लोगों का ये निकल के आता है, तो ये आपको याद रखना है। तो फिर से रिपीट करते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा समझा चुके हैं, इस पूरे आर्क का या चाप का मध्य बिंदु को आप पोल कहेंगे, फिर हमारा ये चाप जो भी, जिस भी गोले का हिस्सा है उसका जो भी केंद्र बनता है तो वो इसका केंद्र है, अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, केंद्र से दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, तो वो त्रिज्या कहलाएगी। इस त्रिज्या को आधा कर देंगे आप तो क्या मिल जाएगा, आपको फोकस मिल जाएगा, और दूर कहीं कौन सी बिंदु होगी, अनंत बिंदु होगी। तो एक सूत्र भी निकाल के हमने आपको दे दिया है, जो कि कौन है, तो आप बोलेंगे फोकस दूरी बराबर एफ बराबर क्या होगा, आर बटे दो, या फिर ऐसा लिखा मिल सकता है आपको, आर बराबर टू इंटू, फिर से फोकस को यहाँ पे स्मॉल एफ लिखते हैं तो ये हो जाएगा टू इंटू एफ। तो आगे बढ़ते हैं, बोर्ड थोड़ा सा गंदा दिख रहा है, इसको और अच्छे से सजाएंगे अब हम। तो तीन पॉइंट अभी हमने आपको समझाए हैं, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोगों को चर्चा करनी है जो दर्पण दो प्रकार के हैं, ठीक है, जो दर्पण दो प्रकार के हैं उनमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं। तो उससे पहले हमारी इच्छा है कि हम लोग चिन्ह परिपाटी की इच्छा कर लें, नहीं अच्छा, पहले इच्छा एक काम करते हैं, पहले दर्पण ही समझ लेते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, वहाँ यहाँ का इसका हमने मुख अक्ष बोल दिया, ठीक है, हमने पीछे नहीं बताया आपको, तो इस वाली रेखा को आप क्या कहेंगे, मुख अक्ष, जिस पर ही ये P, उसी पर हम लोगों का आगे जाके ये F, उसी पर हम लोगों का यहाँ पे ये C, और आगे कहीं जाके अनंत बिंदु पे वस्तु रखोगे, तो इस मुख अक्ष पर ही हमें वस्तु स्थापित करनी है, और ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है अर्थात इसको हम पीछे से इस प्रकार से पेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। और इन सवालों में आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि वस्तु आपको बाईं ओर ही रखना है। हम लोग भारतीय देवनागरी लिपि में लिखते हैं, हम लोग हमेशा किस साइड से लिखना शुरू करते हैं, तो आप बोलेंगे सर बाईं ओर से, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी। कभी कभी आप लोगों को समझाया गया इस प्रकार से भी तो सर वस्तु रख सकते हैं, तो जब वो चिन्ह परिपाटी की बात होगी तो वहाँ पे हम लोगों का काम बिगड़ जाएगा, कि वस्तु आप यहाँ रख दोगे, प्रतिबिंब यहाँ बना रहे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, लेकिन अब वस्तु चूंकि आपने इस साइड रख लिए, तो आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे कि इस साइड की चीज़ होगी माइनस में, इस साइड की चीज़ होगी प्लस में, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें प्लस में मिलेंगी, वहाँ पे मिलेंगी माइनस में, तो जो स्टैंडर्ड या मानक नियम चलता है उसका आप पालन नहीं कर पाओगे, इसलिए वस्तु को हमेशा कहाँ रखना है, आपको बाईं ओर ही रखना है, अपने लेफ्ट हैंड साइड की ओर ही रखना है। तो इसमें से कुछ स्थितियाँ पहले हम आपको समझा देते हैं कि अवतल दर्पण में क्या होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पर रखी होती है, अनंत पर रखी होती है। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो काके कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। एक कहानी आप लोगों को ये याद है पहले से, ठीक है। जब वस्तु हमारी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी है, यहाँ पे जब वस्तु अपने अनंत और वक्रता केंद्र के इसके बीच में रखी है, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो आके कहाँ बन जाता है, तो आप बोलेंगे सर इनके दोनों के बीच बन जाता है, मतलब वक्रता केंद्र फोकस के बीच बन जाता है। और जब वस्तु इसी वक्रता केंद्र पर ही रखी होगी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन जाता है, यहीं बन जाता है। तो हमने वस्तुएँ बना दी हैं आपको, और हर बार वस्तु उल्टी बना वो आखिरी में आपको बता देंगे। और जब वस्तु को आप इस वक्रता केंद्र के बीच यहाँ रख देंगे तो इसकी जोड़ी आप बना दोगे, अब यहाँ की वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर नीचे हो जाएगा। यहाँ पर इसको यहाँ से वही हम मिटा देते हैं, क्योंकि प्रतिबिंब तो हमेशा नीचे ही से जाना, उल्टा हो के। तो जब वस्तु आप यहाँ पर रखेंगे, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, और इस वाले का तो प्रतिबिंब यहीं पर रहेगा। और जब वस्तु आप फोकस पर रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। अब अगली कहानी, अवतल दर्पण में आपको याद रखना है, अवतल दर्पण में
सभी स्थितियों में मोस्टली मोस्टली एक स्थिति बस अपवाद के रूप में चलती है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है, जिसको आप क्या बोलेंगे, वास्तविक। ठीक है, एक स्थिति बस है जिसमें वो कैसा बन जाता है, सीधा अर्थात आभासी। कब बनेगा, जब आप वस्तु को कहाँ रख देंगे, इसके लिए और एक नया कलर ले लेते हैं हम, कि जब आप वस्तु को यहाँ रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, दर्पण के पीछे, और उस स्थिति में आप उसको क्या बोलेंगे, वो होगा सीधा और कैसा, आभासी। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी जो आगे जाके काम में आने वाली हैं, खासकर जो हम लोगों को मैथमेटिकल क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो सामान्यतः जब आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख रहे हैं, अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे, फोकस पे वस्तु, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे, मतलब अनंत की जोड़ी बन गई किससे, फोकस से। अगली कहानी, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अर्थात यहाँ रख दी हमने, तो हमारी जो वस्तु उसका प्रतिबिंब कहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा दूर खिसक जाएगा। अगली कहानी कि इसमें जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा, पर हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। अगली कहानी, जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र फोकस के बीच है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। और जब वस्तु फोकस मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ जाकर दिखेगा आपको, अनंत पर, ऐसा लगेगा आपको अनंत पर बना हुआ दिख रहा हो, सब कुछ साफ दिखेगा। अब आप लोगों ने एक चीज़ ये भी पढ़ रखी कि सर प्रतिबिंब का आकार बड़ा या छोटा होता जाता है, जब अनंत पे है तो फोकस पे बना तो दिखेगा आपको, लेकिन वस्तु का आकार बहुत छोटा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा दिखेगा। इस पे आएंगे तो थोड़ी सी दूरी हम लोगों ने यहाँ से कम कर दी है तो हल्का सा आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। वक्रता केंद्र पर तो जितने आकार की है वस्तु उसी आकार की दिखेगी, और जब यहाँ पे आएंगे थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, जब आप फोकस पर रखेंगे तो वस्तु का आकार हम लोगों को सबसे स्पष्ट और साफ दिखेगा। और हम जब इस वाली वस्तु को अपने फोकस और इस ध्रुव के भी अंदर ले आएंगे, पास में ले आएंगे, मतलब एक बात बोलें तो अपने समझाने की विधि में एकदम आपने आँख के पास ले दो, वस्तु दिखेगी तो उसका पूरा भाग नहीं दिखेगा, उसका पूरा भाग नहीं दिखेगा और बहुत बड़ी दिखेगी, भले अधूरी दिखेगी। उस स्थिति में उसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सीधा, जिसको आप बोलते हैं आभासी, इसको बोलते हैं आभासी। तो ये वाली स्थिति मैथमेटिकल क्वेश्चन में ना के बराबर आती है, सामान्यतः स्थिति हम लोगों को माननी पड़ती है। तो बस आपको यहाँ पे बस एक स्थिति याद रखना है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक। इस वाली स्थिति को यदि छोड़ दें तो ये बाकी स्थितियाँ आप लोग पढ़ चुके हो या पढ़ते रहते हैं, इसलिए इस पर हमने उतना ध्यान नहीं दिया, बाकी दो बार समझाया है। कोई भी डाउट हो तो आप हमसे संपर्क कीजिए, टॉपिक काफ़ी लंबा है इसलिए मैं गति बढ़ानी पड़ रही है, तो वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, आप लोगों को भी दूसरे विषय पर भी ध्यान देना है। एक सूत्र मिटा दिया जल्दबाजी में यहाँ पे कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या मतलब आर की आधी होती है, मतलब एफ बराबर होता है आर अपॉन टू। अब दूसरा दर्पण कौन सा पढ़ना है आप लोगों को, तो आप बोलेंगे सर हमें पढ़ना है उत्तल अर्थात कौन के। ठीक है, इसमें हम लोग पेंट या कहाँ भी है, पेंट कहाँ करेंगे, इस साइड करेंगे, इस बार लाल कलर लेके आ जा रहे हैं हम आपके पास। तो इसमें ये हो जाएगा हम लोगों का फिर से वही पी, यहाँ कहीं मिलेगा हम लोगों को एफ, और यहाँ कहीं हो सकता है कौन सी, और यहाँ कहीं दूर जाके होगा अनंत। तो इस बारे में आपको सबसे ईजी पड़ता है यहाँ पे हम लोगों का उत्तल या कौन बैक्स दर्पण जो होता है, मिरर जो होता है, इसमें आप वस्तु को कहीं भी रखिए, चाहे यहाँ 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 रखिए, हर स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ जाके कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अर्थात हमेशा कैसा बनता है, वहाँ पर लिखा उल्टा, तो यहाँ पर हमेशा कैसा बनेगा, तो आप बोलेंगे सर हमेशा सीधा बनेगा अर्थात आभासी बनेगा, तो हमेशा दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो ये दो चीज़ें आपको मेन याद रखना है। तो अवतल दर्पण में सामान्यतः प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण मतलब दर्पण की उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है, लेकिन हम लोगों का जो उत्तल दर्पण है ये कॉनवेक्स है, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वस्तु रखी है यहाँ पर, प्रतिबिंब जाके कहाँ बन जाता है, दूसरी ओर बन जाता है। इन चीज़ों को आपको याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों को मैथमेटिकल क्वेश्चन में दी हुई नहीं आती हैं, आपको याद रख के फिर आपको वो मेन तो गलती जो हो रही है हम लोगों की प्लस माइनस की हो रही है, तो उस प्लस माइनस को समझाने के लिए हमने आपको ये दो कहानियाँ बता दी हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अवतल दर्पण में जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर प्रतिबिंब बनता है, बस प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। दूसरी कहानी, हम लोगों का जो उत्तल दर्पण है इसमें वस्तु रखी होती है इस साइड, लेकिन प्रतिबिंब उसके विपरीत ओर चला जाता है अर्थात वो हो जाता है आभासी। इसकी कहानी भी थोड़ी सी लंबी होती है, आप हमारे इसी के लिए 11th 12th क्लास की वीडियो देख लेना, नहीं तो आगे जाके जब ज़्यादा समय होगा तो हम आपको बताएंगे कि उसमें उस साइड क्यों बनता है, इसमें इस साइड क्यों बनता है, जहाँ पर किरणें मिलती हैं उस हिसाब से प्रतिबिंब मान लिया जाता है। अब हम लोगों को मेन अब ये ध्यान देना है कि हम लोग इनको इस प्रकार से क्यों पढ़ रहे थे, तो अगली कहानी हमें देना है। अब हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह, कि जो साइन यूज करोगे आप प्लस है कि माइनस, दूरी
उसको हमें पढ़ना है। तो उसको हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। प्रतियोगी परीक्षाओं में कम चलता है ये टॉपिक, लेकिन आजकल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमें चर्चा करनी पड़ेगी क्या किया जाए। तो चिन्ह परिपाटी में हम लोगों ने अभी कुछ दिन पहले, फिर आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षा में हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर नियामक ज्यामिति। उसमें आपने क्या देखा था, यदि हम यहाँ पर एक्स अक्ष लेते हैं तो उसको धनात्मक लेते हैं, यहाँ पर एक्स अक्ष लेते तो वो धनात्मक होता है, यहाँ पर वाई अक्ष तो वो भी धनात्मक, और यहाँ पर वाई अक्ष तो वो कैसा होता है, धनात्मक। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि यदि हमने दर्पण यहाँ बना दिया इस प्रकार से, और इसको हमने पेंट यहाँ कर दिया, तो जो मेन वाई अक्ष है उस पर आपको किसको रखना होता है, दर्पण को रखना होता है, एकदम इस प्रकार से लंबवत मान के चलना होता है। अब जब वस्तु आप यहाँ रखोगे, यहाँ वस्तु आप रखोगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बनेगी, वो एक्स पे आ रही है लेकिन कैसी आ रही है, धनात्मक। तो जब हम लोग इस साइड बढ़ेंगे तो हम लोग हो रहे हैं नेगेटिव, और यदि बाई चांस उस साइड चले जाते तो कैसे हो जाते, पॉजिटिव हो जाते। इसलिए लेकिन आपको शुरुआत तो हमेशा बाई ओर से ही करनी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो वस्तु की दूरी होगी वो हमेशा कैसी होगी, अपनी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और उत्तल दर्पण में जो हम लोग उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण लिख के आए हैं, तो इसमें यदि ये वस्तु है, ठीक है, तो इस वस्तु की दूरी कैसी मिलने वाली है आपको, हमेशा ऋणात्मक मिलने वाली हो। प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा हमारा, हमेशा इस वाली स्थिति को छोड़ दें तो प्रतिबिंब भी हमेशा इसी साइड बनेगा। तो जो प्रतिबिंब है, ठीक है, प्रतिबिंब या इमेज है, ठीक, प्रतिबिंब की दूरी ये भी कैसी रहने वाली है, ऋणात्मक ही रहने वाली है। अब एक चीज़ और देखनी है आपको, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, आप लोग इसको फिर से समझना कुछ स्थितियाँ। काफ़ी लंबा टॉपिक है इसलिए हम काफ़ी छोड़ छोड़ के भी बता रहे हैं शायद, लेकिन पूरा बताने की कोशिश कर रहे हैं। अवतल दर्पण के लिए वस्तु हमेशा बाई ओर रखी जाए, मतलब वस्तु तो हमेशा सबके लिए बाई ओर रखी जाएगी, तो वस्तु की दूरी जिसको आगे जाके हम u लिखवाएंगे वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। फिर प्रतिबिंब भी कहाँ बना, इसी साइड बना है, प्रतिबिंब की दूरी जिसको हम लोग भी लिखेंगे वो भी कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। अगली बात करते हैं आप किसकी, एक चीज़ और बची है अभी, कभी कभी आपको प्रतिबिंब और वस्तु की लंबाई भी यूज करनी पड़ेगी। तो वस्तु आपने रखी है इस वाले अक्ष के ऊपर, और वो कहाँ की ओर जा रही है, तो आप देख रहे हैं ऊपर की ओर जा रही है, और ऊपर की ओर जाने पर मतलब आप बाय अक्ष पे ऊपर की ओर जा रहे हो, और बाय अक्ष पे ऊपर की ओर जाने पर हमें क्या मिलती है, वैल्यू धनात्मक मिलती है। तो ये सब अवतल दर्पण की स्थितियाँ हैं। तो अब हम लिखने वाले हैं यहाँ पे वस्तु की लंबाई, जिसको हम लोग सामान्यतः क्या लिखेंगे, ओ, ऑब्जेक्ट की लंबाई, जिसको हम लोग कैंसिल लेंगे, अब ये पॉजिटिव होगी। लेकिन इसके विपरीत वस्तु नहीं लिखना, क्या लिखना है, इजी लैंग्वेज में लेके हम केवल आपको वहाँ पे ये प्लस माइनस लिख के नहीं छोड़ रहे हैं, पूरा समझा रहे हैं, तो भले समय खर्च हो जाए लेकिन आपको एक नंबर पक्का मिलने वाला है, प्रतिबिंब की लंबाई जिसको आप बोलेंगे आई, आई फॉर इमेज, और ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों हो जाएगी, वस्तु रखी तो यहाँ सीधी थी पर उसकी इमेज कैसी बन गई, नीचे की ओर उल्टी, और नीचे की ओर जा रहे हैं आप, बाय अक्ष में कहाँ की हो जाए, नीचे की ओर, तो बाय अक्ष नीचे कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये चार स्थितियाँ आपको याद रखनी है, ठीक है, आगे चलें। अच्छा एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, आप लोगों को दर्पण हमेशा यहाँ पर रखना है, ठीक है, वस्तु जो है हमेशा बाई ओर पर रखी जाएगी, उसके प्रतिबिंब हमने आपको पीछे समझा दिए हैं, अवतल दर्पण में समानता उल्टे बनते हैं अर्थात नीचे की ओर आएंगे। अब यदि हम लोगों को हमने आपको ये भी समझा दिया, यहाँ पर एक्स अक्ष धनात्मक है, यहाँ पर एक्स अक्ष ऋणात्मक है, यदि वस्तु आप इस साइड रख रहे हो तो आप एक्स अक्ष के ऋणात्मक की ओर, ऋणात्मक दिशा की ओर आ रहे हो, इस कारण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों कैसी हो गई थी, ऋणात्मक हो गई थी। लेकिन जब हम लोग वस्तु की लंबाई, लंबाई कहाँ नापेंगे, अब ऊपर की ओर, तो एक्स अक्ष पे तो हो अब उससे मतलब नहीं है, हम लोग वस्तु कहाँ की ओर लेके जा रहे हैं, ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं अर्थात बाय अक्ष में धनात्मक दिशा की ओर जा रहे हैं, तो उसकी वैल्यू कैसी रहने वाली, प्लस में रहने वाली है। और प्रतिबिंब की लंबाई कैसी हो जाएगी, समानता नीचे की ओर, नीचे की ओर बाय अक्ष कैसा, ऋणात्मक होता है, इसलिए उसका मान कैसा रहेगा, ऋणात्मक। इनको भी ब्रैकेट में लिख दें ताकि आप लोग बताना माने। अब आगे चलते हैं, ये सेम स्थिति हम समझ लेते हैं आप किसके लिए,
अपने अवतल नहीं उत्तल दर्पण के लिए। तो दर्पण के मामले में अवतल से क्वेश्चन ज़्यादा आते, उत्तल से कम आते, इसलिए हमने आपको अवतल पहले समझा दिया है, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हम फिर से बोल देते हैं। अब फिर से वो यक्ष लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए, चलता वही है पर समझाना पड़ता है पूरा पूरा। यहाँ पे आप लिखोगे x प्लस का था, यहाँ पे x माइनस का था, यहाँ पे y माइनस है तो ऊपर y प्लस में है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अपना दर्पण रखते हैं, इस बार उसको लेना हमें उत्तल, ठीक है। ये लिख दिया हमने आपको उत्तल, इसकी स्थितियाँ कम आती, लेकिन अब हमने मन बनाया तो इसको पूरा ही बता दें। अब वस्तु तो हमेशा कहाँ रखनी है, इसी साइड रखनी है आपको। तो जब वस्तु यहाँ रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब तो कहाँ जाने वाला है, पीछे। ये हमारी वस्तु और ये हमारा प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब समझिए यहाँ बन गया, और प्रतिबिंब भी हमने देखा कैसा था, सीधा था, भले आभासी था, ठीक। अब अगली कहानी, हम लोगों में जो पीछे लिख के दी हमने आपको, यहाँ पर लिख देते हैं ना, क्या लिखना हमारे लिए इस बार, उत्तल मतलब कॉनवेक्स, और दर्पण मतलब मिरर है, अभी लेंस नहीं, लेंस भी पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। तो उत्तल दर्पण के लिए आप वस्तु की दूरी u, परीक्षा में कुछ लिखा नहीं है, अगर इसको ऋणात्मक मानना धनात्मक मानना, वो आपको ही अनुमान लगाना है, बल्कि पता रखना है। तो वस्तु की दूरी हम लोग देख रहे हैं ये रखी है, x अक्ष पे कहाँ जा रहे हैं आप, ऋणात्मक दिशा में, तो वो हमेशा कैसी रहेगी, ऋणात्मक। यहाँ पे भी लाइन खींच दें, अलग सूत्र लिखा है उसका भी यूज करके दिखाएंगे। अगली कहानी किसकी, प्रतिबिंब की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल v, ये v है, u यही है। अब उसको देख लें आप, उत्तल दर्पण पे हैं आप, समानता कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे अर्थात के साथ x अक्ष की धनात्मक दिशा में। देखिए आप यहाँ पे जा रहे हैं इस साइड, और यहाँ पे x अक्ष कैसा है, धनात्मक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस बार कैसा, धनात्मक लेंगे। अगली लाइन, वस्तु की लंबाई, जिसको आप क्या लिखेंगे, ओ, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, जो कि कहाँ जा रही है, फिर से ऊपर की ओर अर्थात बाएं अक्ष में धनात्मक दिशा की ओर, तो वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक, ठीक है। फिर प्रतिबिंब की लंबाई, जिसको हम लोग क्या लिखते थे, I, द लेंथ ऑफ इमेज, ये भी कहाँ की ओर जा रही है, ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में, तो इसका मान भी कैसे रहेगा, पॉजिटिव। तो कुछ लोगों ने हमारे ख्याल से याद कर रखा है, क्या याद कर रखा, हम फिर से बोल देते हैं कि आपको फैक्ट्स के रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों में लिखा मिलता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हम लोग देखें थे यहाँ पर हमने कुछ बोला है आपसे, तो फोकस दूरी मतलब प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, इस साइड बनता है, इस कान से इस साइड क्या मिलता है, एक्स अक्ष धनात्मक, इसलिए वो धनात्मक होती है। कुछ लोगों ने ये याद कर रखा है, उत्तल दर्पण की अर्थात कॉनवेक्स की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती, क्योंकि उसका उसका जो फोकस का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा की ओर बनता है, इसलिए वो धनात्मक रहती है। तो ये सब आपको हमने यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी खोल दी, चिट्ठा खोल दिया इस टॉपिक का, जो आप लोगों को किताबों में केवल बना मिलता था, हमने पूरा लिख लिख के दे दिया है, ताकि वे लोग जिन लोगों ने साइंस ज़्यादा समय से नहीं पढ़ी है या फिर नहीं पढ़ी वह कभी भी, तो उनको भी ज़्यादा आसानी समझ में आए। टॉपिक थोड़ा सा नया है कुछ लोगों के लिए, ठीक है, तो इसको आप बार बार रिवाइज करें, है ना। और कोई भी डाउट है तो आप सीधा हमसे संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में भी, हम लोगों के फ़ोन नंबर पर भी, कॉन्टैक्ट नंबर पर भी संपर्क करें। अब हम लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो आप लोगों को एक चीज़ और याद कराएगा ये पीछे, कि दर्पण के लिए सीधा सूत्र होता है, यहाँ लिख देते हैं ना, दर्पण के लिए सीधा सूत्र, एक सूत्र तो हमने बोल लिखा है, अच्छा पहले कि एक सूत्र ये आप लोग पढ़ोगे तो मैं अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इसको तो पूरा लिखा दे रहे हैं, ताकि आप लोग देखते रहें इसको भी और साथ में हमारी नई चीज़ को भी। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर दो तीन क्वेश्चन मैंने, तीन फार्मूले मैंने याद रखने हैं। एक तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्र त्रिज्या से आधी होती है, ठीक है।
अगला एक सूत्र मिलेगा आप लोगों को किसका, तो आप बोलेंगे सर आवर्धन का, मैग्निफिकेशन का। और लिखते बनता है हम पे, बस बोलने के चक्कर में बोलते कुछ हैं और लिखने कुछ लगते हैं। आवर्धन, जिसको आप पूरा शब्द शायद ये भी लिखा मिल सकता है आपको, आर फॉर रेखीय लीनियर मैग्निफिकेशन, तो एक पूरा शब्द हो जाएगा इसका रेखीय आवर्धन। अब आवर्धन हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, जो कि क्या होता है आई बटे ओ, और आई बटे ओ के साथ साथ में बराबर कौन हो जाएगा वी और बटे यू। हम संकेतों के अर्थ नहीं लिख रहे क्योंकि हम आपको पहले लिख चुके हैं, आई का मतलब क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब क्या है वस्तु की लंबाई, मतलब रेखीय आवर्धन या मैग्निफिकेशन एक अनुपात या रेशियो होता है किस किस का, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे में वस्तु की लंबाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी। चिन्ह आपको इन चिन्ह परिपाटी के अनुसार यूज करने हैं फार्मूले में। फिर सीधा आप लोगों ने वो एफ वाला जो फार्मूला जो आप बहुत देर से देखने के चक्कर में हो, वो ही लिखने वाले हैं, दर्पण का सूत्र। ठीक है, किस किस का सूत्र, तो आप बोलेंगे फोकस दूरी का सूत्र, तो बन अपॉन एफ बराबर में बन अपॉन यू, यू लिखना है इसको हमें, और बन अपॉन वी। ठीक, वो वी है, वो पूंछ निकालने की आदत है हमारी उसकी, तो बन अपॉन एफ बन अपॉन यू प्लस बन अपॉन वी, तो ये हो जाएगा हम लोगों की फोकस दूरी, वस्तु की लंबाई, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध का सूत्र। तो मोस्टली क्वेश्चन इससे आ रहे हैं और थोड़े बहुत इससे, और कभी कभी ईजीएस्ट क्वेश्चन किससे आ सकते हैं इससे। एक संबंध और आपने पढ़ रखा है किसका, ये तो हो गया देखिए आवर्धन, और एक संबंध आपने पढ़ा है किसका आवर्धन, तो थोड़ा सा व्यवस्थित नहीं लिखा है हमने, पर कुछ भी मिटाया नहीं ताकि आप लोग बार बार देख के, आवर्धन क्षमता, ठीक है ना, मैग्निफिकेंस पावर, जिसका मात्रक आप लोगों को याद है डायोप्टर, जो कि क्या होती है आवर्धन क्षमता बराबर होता है बन अपॉन एफ, मतलब वो आपको सबको याद है कि ये फोकस दूरी के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है आवर्धन क्षमता, जिसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर। इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन फार्मूलों को भी आपको याद रखना है। तो सबसे बड़ा काम था हम लोगों का ये, जो कि किससे था, चिन्ह परिपाटी से संबंधित। अपने आप कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हो गए तो गोली दर्पण पर वापस आ गए हम, तो इसी पे थे हम लोग। और अगला क्वेश्चन हमें लेके आना है आपके सामने, एक क्वेश्चन फटाक से करके दिखाते हैं, इसको साफ करते हैं, माना कि सारे फार्मूले आप लोगों ने रट लिए हैं, और नहीं रटे तो एक बार फिर से हम रिवाइज करने का मन रख रहे हैं आपके लिए, रिपीट कर देते हैं। आपको चार फार्मूले याद रखने हैं, ठीक है। फोकस दूरी का फार्मूला क्या है, वक्रता त्रिज्या की लंबाई जो भी आपको दी जाएगी उसमें दो से भाग लगा देंगे, ठीक। एक छोटा सा फार्मूला ये है आवर्धन क्षमता, मतलब आपके लेंस के पास कितना मैग्निफिकेंस पावर है, तो आपको यदि फोकस दूरी ज्ञात है तो उसका आप जस्ट उल्टा कर दोगे। मान लो आपको फोकस दूरी याद है एक बटे दो, तो आवर्धन क्षमता इसका पलट के कितनी हो जाएगी, केवल दो। उसका मात्रक क्या होता है डायोप्टर, या फिर फोकस दूरी का मात्रक होता है एसआई मात्रक मीटर, तो मीटर इनवर्स, तो डायोप्टर या फिर मीटर इनवर्स एसआई मात्रक के रूप में आप यूज कर सकते हैं, बाकी फेमस है डायोप्टर के नाम से। अगला फार्मूला कौन सा आपको याद रखना, रेखीय आवर्धन, इसमें क्षमता ही लगा, केवल आवर्धन है मैग्निफिकेंस है, रेखीय आवर्धन जो कि एक अनुपात है वस्तु की लंबाई, गलत बोल गए हम, प्रतिबिंब की लंबाई बटे में वस्तु की लंबाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और बटे में वस्तु की दूरी, तो ऊपर हमेशा प्रतिबिंब है, नीचे हमेशा कौन है वस्तु है, तो जब लंबाई लंबाई लेंगे तो उनका अनुपात, या दूरी दूरी लेंगे तो उनका अनुपात। और सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र दर्पण का सूत्र, ये चार सूत्रों का आपको उपयोग करना है। और सबसे जरूरी चीज तो होगी, फिर से बोलते हैं, चिन्हों का उपयोग करना, ठीक है। अब आगे